इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लीफ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 6। इस डायग्राम की हेल्प से हम डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत क्लियर डायग्राम है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए आप कि जो डाइकॉट लीफ है, ये यहाँ पर डाइकॉट लीफ को इस तरह से रखा है और यहाँ पर हमने ये छोटा सा कट सेक्शन हम यहाँ पे हम मैग्नीफाई करके यहाँ दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये अपर एपिडर्मिस है इस लीफ का और ये सिंगल लेयर का होता है, जो सेल्स का सिंगल लेयर होती है सेल्स की। और उसी तरह से यहाँ पे ये लोअर एपिडर्मिस है। जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और पतली होती हैं, टाइल जैसी सेल्स होती हैं। और यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल की थिकनिंग आपको दिख रही है। तो दोनों तरफ ही ऊपर ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। तो दोनों एपिडर्मिस की वह सरफेस जो एनवायरनमेंट को फेस करती है, तो उसके ऊपर ये क्यूटिकल की थिकनिंग पाई जाती है। यह क्यूटिकल की थिकनिंग ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने में हेल्प करती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो लोअर एपिडर्मिस है तो वहाँ पर ये हमें स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा नहीं होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स पर अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा नहीं होते हैं, केवल लोअर एपिडर्मिस पर ही स्टोमेटा होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सिंगल स्टोमा कहा जाता है और जब बहुत सारे हों तो स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा से ये देखिए गैसियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये एपिडर्मिस हो गया। और यहाँ पर ये देखिए, जो लीफ में पाया जाने वाला जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसे हम मीजोफिल कहते हैं। ये सारी बातें हम टिश्यू सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। तो लीफ में पाया जाने वाला जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसे हम मीजोफिल कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मीजोफिल दिखाया हुआ है लीफ का। और यहाँ पर मीजोफिल की जो भी सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और यह सेल्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वह दो रीजन्स में डिवाइड होती हैं। यह पैलिसेड मीजोफिल सेल्स हैं और ये स्पॉन्जी मीजोफिल है। स्पॉन्जी मीजोफिल की जो सेल्स हैं वह इररेगुलर फैशन में अरेंज्ड हैं और इन सेल्स के बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। जबकि जो पैलिसेड टिश्यू जो होता है उसमें जो सेल्स होती हैं यह ये इस तरह से देखिए वर्टिकली अरेंज्ड हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कंपैरेटिवली कम है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की अपेक्षा जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम है और जो सेल्स हैं वह एक पर्टिकुलर फैशन में, वर्टिकल फैशन में अरेंज्ड हैं। और ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल दिखाया हुआ है। वैस्कुलर बंडल, ये जो लीफ होती हैं इनके मिडरिब और वेंस में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। जो लीव्स होती हैं, जो हमें उनमें धारियाँ दिखाई देती हैं जो लीव्स में, वह उन लीव्स की वेंस हैं। और ये जो एक बीच की जो लाइन है इसे हम मिडरिब बोलते हैं। तो या इन वेंस में ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो वैस्कुलर बंडल का भी अरेंजमेंट आप देखिए, तो यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। तो ये जाइलम जो है ये देखिए अपर एपिडर्मिस की तरफ हमें दिख रहा है और जबकि फ्लोएम हमें ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ दिख रहा है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमें लीव्स में देखने को मिलता है। कुछ और बातें रह गई हैं तो वह हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक और डायग्राम हम यहाँ दिखा रहे हैं डाइकॉट लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन का। और यह जो स्ट्रक्चर है यह पिक्चर हमने एनसीईआरटी से ली है। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत क्विकली इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस है जिसे हम एडेक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं और यहाँ पर ये लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस को हम अबैक्सियल साइड भी कहते हैं। तो अबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया। तो अबैक्सियल एपिडर्मिस पर यहाँ पर ये हमें स्टोमेटा दिख रहा है और दोनों तरफ एपिडर्मिस, चाहे अपर हो या लोअर हो, उन दोनों एपिडर्मिस पर यहाँ पर ये क्यूटिकल की थिकनिंग है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो मीजोफिल है ये दो तरह का मीजोफिल हमें दिख रहा है। ये पैलिसेड मीजोफिल है और यह स्पॉन्जी मीजोफिल है। स्पॉन्जी मीजोफिल में जो सेल्स हैं वह इररेगुलरली अरेंज्ड हैं और इनमें एयर कैविटीज हैं, इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और पैलिसेड मीजोफिल में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वह बहुत
अच्छी तरह से अरेंज्ड हैं, और ये देखिए ये साइड वाइज अरेंज हैं और पैरेलल फैशन में अरेंज्ड हैं, तो इन्हें हम पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। और यहाँ आप देखिए वैस्कुलर बंडल देखिए, तो वैस्कुलर बंडल में ये जाइलम ये अपर सरफेस की तरफ है और जो फ्लोएम है वह लोअर सरफेस की तरफ अरेंज्ड है। और ये जो बंडल, ये जो वैस्कुलर बंडल है, यह एक सिंगल सेल की एक लेयर से ये कवर्ड होते हैं और इस लेयर को हम बंडल शीथ कहते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हमने डाइकॉट लीफ के इस डायग्राम में स्टडी किए हैं। डाइकॉट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इस लीफ का हम अपर और लोअर साइड हम बहुत अच्छी तरह से देखकर हम पता लगा सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। कोई आम की पत्ती जो अगर आपको दे दी जाए तो आप देखकर ही बता देंगे कि यह इसकी अपर सरफेस है और यह इसकी लोअर सरफेस है। तो इस तरह की लीव्स को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। तो बाकी ये जो पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किए हैं, यह सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। यहाँ हमने मेसोफिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, यह सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने डाइकॉट लीफ से रिलेटेड वैस्कुलर बंडल के पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कीजिए। और यहाँ एक हमने पॉइंट मेंशन किया है, साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स डिटरमिन द साइज ऑफ वेन। तो ये बहुत ही ओबियस पॉइंट है कि जो छोटी साइज़ की जो वेन होगी तो उसमें पाया जाने वाला वैस्कुलर बंडल भी छोटा होगा, और जो बड़ी साइज़ की वेन होगी उसमें पाया जाने वाला वैस्कुलर बंडल भी बड़ा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। यहाँ हमने मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है, इसको स्टडी करते हैं। तो ये देखिए ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, और यहाँ पर एक ख़ास बात आप देखिए कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर ही यहाँ पर हमें स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेसोफिल दिखाया हुआ है, तो मेसोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में। अभी अभी हमने डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें देखा था हमने कि जो मेसोफिल है वह पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड है। तो उस तरह का कोई भी डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन यह सेल्स पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है यह रीजन। और यहाँ पर ये देखिए, तो ये यहाँ पर हमने वैस्कुलर बंडल दिखाया हुआ है, तो वैस्कुलर बंडल में ये जाइलम और ये फ्लोएम के अरेंजमेंट यहाँ पर हमने दिखाए हैं। ये जो वैस्कुलर बंडल है ये कंज्वाइंट है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यह क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है क्योंकि यहाँ पर इसमें कैम्बियम टिश्यू हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फीचर्स हमने स्टडी किए हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम की हेल्प से एक बहुत यूनिक फीचर हम डिस्कस करेंगे जो हमें मोनोकॉट लीफ में दिखाई देता है, वह है बुलीफॉर्म सेल्स। तो मोनोकॉट लीफ में जो अपर एपिडर्मिस होता है, तो अपर एपिडर्मिस में ये कुछ खास तरह की ये एक्सपेंडेड सेल्स होती हैं जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। अपर एपिडर्मिस की तरफ होती हैं ये सेल्स, तो इन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये खास तौर पर एक्सपेंडेड सेल्स होती हैं, ये देखिए कितनी बड़ी सेल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो यह फीचर हमें स्पेशली मोनोकॉट लीव्स में ही देखने को मिलता है। जब स्ट्रेस कंडीशन हो, जब इन पौधों को पानी ना मिल रहा हो, तो इन बुलीफॉर्म लीव्स से वाटर की एग्जॉस्मोसिस हो जाती है और एज अ रिजल्ट वह लीफ कर्ल हो जाती है। आपने घास को देखा होगा, घास को अगर पानी ना दिया जाए तो घास की जो पत्तियां हैं वह इनवर्ड घूम जाती हैं, अंदर की तरफ घूम जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। तो वह इसी वजह से होता है क्योंकि बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं उनसे पानी निकल गया है, इन सेल्स से पानी का एग्जॉस्मोसिस हो गया है। तो बुलीफॉर्म सेल्स ये मोनोकॉट लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है। किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस फीचर को याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं कि
जो मोनोकॉट्स में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वह डंबल शेप के होते हैं। ये डंबल आप जरूर जानते होंगे, कसरत करने के लिए यूज़ किया जाता है डंबल को। तो डंबल शेप्ड स्टोमेटा हमें मोनोकॉट लीव्स में देखने को मिलते हैं। जो डाइकॉट लीव्स हैं उनमें हमें बीन शेप के, जो किडनी बीन होती है, तो किडनी बीन शेप के हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में हमें ये डंबल शेप स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। मोनोकॉट लीफ को हम आइसो बाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। आइसो मींस सिमिलर और बाइलेटरल मींस दो साइड। तो जो मोनोकॉट लीफ होती हैं उनकी जो दोनों साइड होती हैं, अपर और लोअर, दोनों साइड लगभग एक जैसी होती हैं। तो अभी तो डायग्राम में भी आपने देखा कि दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। और अगर आपको मैं घास की पत्ती तोड़ के दूँ, ग्रास ब्लेड अगर मैं आपके हाथ में रखूँ, तो आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि इस लीफ का अपर और लोअर साइड कौन सा है। तो इस तरह की लीव्स को हम आइसो बाइलेटरल लीव्स कहते हैं। और बाकी जो पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं यह सभी हम डिस्कस कर चुके हैं और इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। यहाँ हमने मेसोफिल और वैस्कुलर बंडल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। इस पॉइंट को देखते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल जो मोनोकॉट्स में पाया जाता है, तो उस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी एक सेल की लेयर होती है और वह पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर होती है जिसे हम बंडल शीथ कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर डाइकॉट लीव का अगर आप रिकॉल कीजिए ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वहाँ हमने बताया था बंडल शीथ उनके वैस्कुलर बंडल में भी होती है लेकिन वह स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। मोनोकॉट लीफ में जो बंडल शीथ पाई जाती है यह पैरेन्काइमा सेल्स की होती है, यह पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ होती है। और यहाँ पर ये देखिए एक नोट हमने मेंशन किया है, ये एक बहुत ही ओबियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ये यहाँ पर देखिए कि मोनोकॉट लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया देखा जाता है, रिकॉल कीजिए इस बात को। तो पैरेलल वेनेशन इंडिकेट करता है कि इस इनकी लीव्स में जो वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वह लगभग सभी एक ही साइज के होते हैं और इसी वजह से इनमें पैरेलल वेनेशन देखा जाता है। जब हम डाइकॉट लीफ हम अभी थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जो वैस्कुलर बंडल का जो साइज है वह वेरी कर रहा है। अगर छोटा साइज है तो वह वेन भी छोटी रह गई और अगर बड़ा है साइज वैस्कुलर बंडल का तो वह वेन बड़ी है। और इसी वजह से डाइकॉट लीफ में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल का साइज है वह वेरी कर रहा है, जबकि मोनोकॉट लीव्स में हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है क्योंकि वैस्कुलर बंडल का जो साइज है वह ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ हमने डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसो बाइलेटरल लीफ या डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बीच के कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें।